केवल रही किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृजन वाणी में होता कथों का सुंदर संदर्शन, बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव शास्त्र गुरु पूजन आज समापन की ओर है। जयमाला की चर्चा करते हुए देव और शास्त्र के स्वरूप की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। आज गुरु के स्वरूप को बतलाने वाली ये मार्मिक पंक्तियाँ प्रसंग प्राप्त है। कैसा है गुरु का स्वरूप, कैसे होते हैं हमारे वितरागी गुरु, कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, उसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर पंक्तियों में यहाँ चर्चा की गई है। हम दो दो पंक्तियाँ बोलते हुए चर्चा को बढ़ाते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। कितना सुंदर कह दिया है। हे गुरुवर, हे मुनिराज, कैसा है आपका स्वरूप शाश्वत सुख दर्शक, क्षणिक सुख को दिखाने वाला नहीं। हमने राजाओं को देखा, उनके सुखों को देखा, लेकिन लगा ये तो सब क्षणिक सुख हैं। हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को, पद प्रतिष्ठा वालों को देखा और उनके सुखों को भी देखा, लेकिन उनके जितने सुख हमें दिखाई दिए वे कोई भी सुख शाश्वत सुख नहीं था। मुनिराज, आपका जो स्वरूप है आपको देख करके पता लगता है कि शाश्वत सुख किसे कहते हैं। दर्शक, दर्शक माने दिखाने वाला, दर्शक है तो शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, शाश्वत सुख को प्रदर्शित करने वाला। मुनिराज, आपके स्वरूप को देखते ही पता लगता है कि यार सुख तो इसमें है, बाहर में कुछ नहीं है। मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, किसी प्रकार के कोई संयोग सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, किसी तरह की बाहरी सुख सुविधाएं नहीं है, और आपके चेहरे पर आनंद झलकता है, अपार शांति झलकती है, ये आपको देखते ही पता लगता है। मुनिराजों के स्वरूप से पता लगता है कि सुख नहीं विषय भोगों में है, ये पता लगता है हमारे को। भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, जगत में आनंद नहीं है, क्योंकि जगत के विषयों में यदि कहीं आनंद होता तो उन्हें छोड़ करके ये वितरागी मुद्रा क्यों अंगीकार करते, ये घर बार परिग्रह आदि छोड़ करके ये मुनि अवस्था की प्राप्ति क्यों करते। उस सच्चे सुख को दिखाने वाला कौन सा स्वरूप, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। मुनिराजों की नग्न मुद्रा, इसका मतलब सुखी होने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो, ये कैसे पता लगता है? हम जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। देखो जरा अपने में और मुनिराजों के जीवन में जरा तुलना करके तो देखो, हम सुखी होने के नाम पर जोड़ने 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 के लिए तैयार हैं, दिन रात जोड़ने जोड़ने में लगे, और हमें क्या लगता है सुखी हो जाएंगे। और मैं तो लोगों को देखता हूँ जगत में, तो ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो मुनिराजों के पास में जाकर के ही वो पीछे लगवाना चाहते हैं कि इससे और थोड़ा सा हमारी संपत्ति बढ़ जाए। काहे के लिए? महाराज आपकी पीछे लग जाए ना तो बस,
क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। कोई महाराज सामने से पूछ लेवे कि तू सही बता, तू सुखी होना चाहता है कि नहीं? महाराज सुखी होने के लिए तो बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं। बोले तेरे को हमारे स्वरूप को देख करके भी समझ में नहीं आती है, बिजनेस तो हमारे भी कम नहीं चलते थे, दुकानदारी तो हमारी भी बहुत चलती थी, व्यापार तो बहुत था, लंबा चौड़ा राजपाट तो हमारी लाइफ में भी था, लेकिन उसमें सुख नहीं है, इसलिए तो हमने उसका त्याग किया और तू हमसे ही उसकी आकांक्षा करता है, क्या हो गया तेरे? उसमें सुख नहीं है ना, उनका जीवन क्या बतला रहा है बतलाओ, मुनिराजों का जीवन क्या प्रदर्शित करता है? एक लाइन के अंदर सारा रहस्य बतला दिया यहां। विषय भोगों के प्रति आसक्ति टूट जाए हमारी, जगत की तरफ दौड़ते हुए एकदम कदम रुक जाए, कहां दौड़ रहा है इस अंधी दौड़ में, कहीं अंत दिखाई देता है तेरे को? कहीं लगता है कि इस स्टेप पर जाकर के रुक जाऊंगा मैं, ये मेरी मंजिल है, 1 करोड़ चाहिए कि 5 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, कहां जाकर के रुकेगा बतला? कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती है ये दौड़, कहीं रुकने का नाम नहीं लेती है। वो कौन है नंबर 1 पर है? अंबानी है, अंबानी की बात करो, बजाज की बात करो, टाटा की बात करो, बिरला की बात करो, लक्ष्मी मित्तल की बात करो, है ये सब जो लोग हैं, बिल गेट्स की बात करो, सिंघानिया की बात करो, अरे ये जिनकी आप बात कर रहे हो, जिस लेवल वालों की बात कर रहे हो, क्या आपकी तमन्ना है क्या वहां तक जाने की? लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद भी व्यक्ति की तृष्णा रुकती नहीं है, इच्छा नहीं रुकती है। ऐसे लेवल की बात करो कि सारे रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ नहीं पाए, सचिन तेंदुलकर जैसे की बात करो, अमिताभ बच्चन जैसों की बात करो, तो ऐसा 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 अंत नहीं है, अंत नहीं है। कौन सी जगह पर जाकर के हमारी तृष्णाएं रुकेंगी? इनको देखो जो सुख स्वरूप दिखा रहे हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या दिखाता है? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग की नश्वरता का दिग्दर्शन कराता है ये। इससे हमारे को पता लगता है कि ये जग नश्वर है, ये जग क्षणिक है, इन जगत के पदार्थों में कहीं आनंद नहीं है। हे भगवान, आपको देख देख करके हमारे को इन बातों का पता लगता है। भगवान मतलब मुनिराज, हे मुनिराज, आपके स्वरूप को देखकर जग नश्वर है, नाशवान है, ये संपत्ति शाश्वत नहीं है। अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। क्या जॉब परमानेंट होनी चाहिए साहब? क्या बाजार से जाकर के कोई सामान खरीदने की बात करता है, परमानेंट चाहिए साहब, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। कि तेरे लाइफ की कितनी ड्यूरेबिलिटी है ये बताए तेरे को? जीवन कितने समय तक चलने वाला है इसका अंदाजा है? टेम्परेरी लाइफ और हर चीज चाहिए परमानेंट। और यहां ये कह रहे हैं तेरा स्वरूप परमानेंट है, जगत में कुछ परमानेंट नहीं है। ये सारे संयोग बदलते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है ये सब। ये जग की नश्वरता का और सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, सच्ची बात को बतलाने वाला है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, समझदार लोगों को ख्याल में आ जाती है, और ना समझ लोग भटकते रहते हैं बस, ना समझ लोगों को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या चीज मांग रहे हैं, और देने वाले भी दे देते हैं। मैंने पहले भी कही ये बात कह दी थी मैंने एक मुनिराज से चर्चा करते हुए, ये बात उन्होंने आशीर्वाद दिया किसी को, फिर बाद में हमने अकेले में बात कह दी उनसे। मैंने कहा महाराज सच बतलाओ, आपने जो आशीर्वाद दिया है इस आशीर्वाद से ये सुखी होगा कि नहीं होगा? और यदि ये इस आशीर्वाद से सुखी हो जाएगा तो आपने क्यों छोड़ा था? इसमें नहीं है ना, हम तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आपकी दुकानदारी जल्दी से बंद हो जाए। क्या क्या बात कर रहे हो आप?
सुमत प्रकाश जी बतलाते ऐसी बात। इसने बुलाया अपने मुहूर्त में दुकान के उद्घाटन में, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया। बोले क्या बात कर रहे हो आप, कि हाँ हाँ क्या हम ये आशीर्वाद देवे कि तुम्हारी दुकानदारी खूब चलती रहे, खूब बढ़े, तुम्हारा व्यापार बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देकर के हम ये चाहेंगे कि तुम धर्म से दूर हो जाओ, हम चाहेंगे कि तुम मंदिर आना बंद कर दो। क्या करें साहब, बिजनेस इतना चल रहा है, ऐसा फुर्सत ही नहीं मिलती है मंदिर आने की, ऐसा आशीर्वाद देवे तुम्हारे, या ऐसा आशीर्वाद देवे कि तुम्हें दुकान चलाने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हारे को बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़े, इन चीजों में सुख नहीं है, इन क्षणिक सुखों की तरफ तुम दौड़ते ना रहो और दृष्टि वहां से हटाकर परमानेंट सुख की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाए, हम तो ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या आशीर्वाद दिया पता है आपको, प्रवचन सार गाथा नंबर 201 नंबर की गाथा, क्या कहते हैं वो प्रवचन सार की गाथा बतला रहा हूं, मूल गाथा आचार्य कुंदकुंद स्वामी की 2000 साल पहले लिखी हुई। एवं पढ़ने सिद्धे जिनवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवत जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अब समझ में आया क्या, पहली लाइन को छोड़ दो। एवं पढ़ने सिद्धे, सिद्धों को नमस्कार करके, जिनवर वृषभ को नमस्कार करके, हैं मनराजों को नमस्कार करके, क्या कहा दूसरी लाइन में, पड़ी वज्जतु सामन्नम मुनिव्रत अंगीकार कर। क्या उपदेश दिया उन्होंने, अरे वाह क्या बात कर रहे हो साहब, घर गृहस्थी सही चल रही है, आप क्या कर रहे हो, पहले मैं थोड़ा सा धर्म ध्यान की तरफ बढ़ता था, मैं थोड़ा मंदिर जाने लगता था, तो आप पड़ोस वाले कहने लगते थे यार ये लड़का हाथ से निकल रहा है, ऐसा नहीं हो छोड़ करके मुनि बन जाए, क्या लोग ऐसी बातें करते थे, और आप क्या उपदेश दे रहे हो, पड़ी वज्जतु सामन्नम कि हाँ यदि इच्छति दुख परिमोखम, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कुंदकुंद स्वामी। यार ऐसा तो मत करवा, अभी तो चल रही है शांति से हमारी बेस्ती, क्यों तोड़ाने की बात करते हो, अरे भावना तो आओ, यहां ये कह रहे हैं आपकी भावना तो होनी चाहिए इस तरह की, बिना मुनि मुद्रा धारण किए हुए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ये शाश्वत सुख को दिशा दिखाने वाली बात है। वो कह रहे तू यदि दुख से मुक्त होना चाहता, पहले बता चाहता है या नहीं चाहता है, तो इस जंजाल में रहते हुए सुखी होना चाहता है, व्यापार रोजगार में उलझे हुए सुखी होना चाहता है, तू चाहता है कि ये सब करते हुए मैं सुखी हो जाऊंगा, तू चाहता है एक बंगला है 5 करोड़ का, तू चाहता है 50 करोड़ का बना लू तो सुखी हो जाएगा, तू चाहता है हीरे माणिक मोती जड़वा लू मैं इसमें तो सुखी हो जाएगा, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन की जेब नहीं होती, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, आप कर लो कितना भी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बोलो, कुछ तो सद्दाम हुसैन को फांसी हुई ना, उसके सारे खोले गए, उसके दरबार तो ऐसे सोने के वॉल पे से निकले अंदर गोल्ड के डायमंड जड़े हुए ऐसे नल, सामने मिरर लगा हुआ है, चारों तरफ डायमंड लगे हुए हैं उसके, जब मुंह धोता होगा तो क्या रत्न आते होंगे उसमें, गोल्ड आता होगा कुछ, जब पानी से मुंह धोता होगा क्या होता होगा, देख देख के राजी हो रहे हैं, क्या हुआ उसका, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, कुछ भी काम नहीं आने वाला है, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, इस दौड़ में आनंद नहीं है, जिनके पास में सब कुछ है वे राजा कहलाते हैं, और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है वे महाराज कहलाते हैं, वे मुनिराज हैं। हे मुनिराज आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप शाश्वत सुख को दिखाने वाला है।
जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, सच्चे सुख को दिखाने वाला आपका यह स्वरूप है। हो गई दो लाइनें। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का मतलब क्या हुआ? दिखाने वाला, दिग्दर्शन करने वाला है, दिखाने वाला है, जगत की नश्वरता का स्वरूप दिखाने वाला है। कैसा है मुनिराजों का स्वरूप? ये तो उन्होंने एक सैद्धांतिक बात कह दी, महिमा वाली बात कह दी कि महाराज ऐसा आपका स्वरूप है जो सुख दिखाता है, जबकि नश्वरता दिखाता है, सच्चा स्वरूप बतलाता है। लेकिन स्वरूप कैसा है मुनिराज आपका, वो आगामी लाइनों में कहते हैं। ये दो क्लियर हो गई, पापा पढ़ो इन दोनों लाइनों को। जब काल समय का सूचक है, ये सारा जगत विषयों में रचकर पचकर पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगकर उसमें लीन होकर गाफिल निद्रा में सोता हो, रात्रि में अपने घर में गृहस्थी में टीवी देखते देखते भोगों को भोगकर थककर थक हारकर वदन होकर जब ये जीव सो जाता है, जब सारा जगत जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अंधेरी राहों में सुनसान रातों में शहंशाह देखो ठीक है, ऐसी स्थिति में सारा जगत जब सो जाता हो, अथवा वो क्या करता है, शिव के माने मोक्ष के, शिव मतलब मोक्ष, निष्कंटक मतलब मोक्ष का जो मार्ग है वो निष्कंटक है, मोक्ष के मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं है, सटीक सीधा मार्ग है, उस पथ में विषकंटक बोता हो, सारा जगत क्या काम कर रहा है, भोगों में रच पच करके मानो मोक्ष के मार्ग में बाधा कर रहा है, मोक्ष के मार्ग में जब बाधक हो रहा है, सारे जगत का ऐसा स्वरूप है। जब जग माने जगत के लोग, घर गृहस्थी वाले लोग व्यापार से विषयों से भोगों से टीवी से इनसे रच पच कर गहन में ऐसे बेचैत पड़ जाते हैं, ऐसे गाफिल होकर के सोते हैं, फिर पता नहीं लगता है कुछ भी क्या हो रहा है, क्या थक हार करके ऐसी गहरी नींद में सोते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, घर लुट जाए पता ही नहीं लगता है, सोते ही रह गए पता ही नहीं कैसी गहरी नींद आई कि फ्लाइट छूट गई, पता ही नहीं कैसी गहरी नींद में, कुछ कुछ होश नहीं हमारे को, गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा क्या करता है ये जगत, मोक्ष के निष्कंटक मार्ग में जहरीले कांटे बोने का काम करता है, विषकंटक। और क्या कह रहे हैं, परिस्थिति कैसी है, सन्नाटा छाया हुआ है, सारा जगत विषयों में रचपच करके गाफिल होकर के सो गया है, और हे मुनिराज आप क्या करते हैं उस अर्धरात्रि के सन्नाटे में, निशा मतलब रात्रि, अर्ध मतलब आधी, आधी रात को सन्नाटा छाया हुआ है, और ऐसे समय में जब वन में जंगल में वनचारी चरते हों, निशाचर जंगली जानवर रात्रि में भोजन के लिए निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं, ऐसे समय में भी हे मुनिराज आप अत्यंत शांत और निराकुल रहते हुए तत्वों का चिंतन करते हैं। कैसा चित्रण किया है,
ये उस काल का चित्रण किया है, समझ लो आप, उन मुनिराजों का जिनको जगत से किसी तरह की कोई लाल लपेट नहीं है, जगत से निरपेक्ष रहने वाले, जगत के आडंबरों से दूर रहने वाले। आगे मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं, कल आएगी चर्चा, जब देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से, तो कल परसों तरसों जब चर्चाएं चलेगी तो मुनिराज कैसे होते हैं वो चर्चा आगे भी आने वाली है। यहां क्या कहा, तब शांत, अत्यंत शांत मुनिराज के चेहरे पर देखो, मानो मुख चंद्र थे अमृत झरे। कैसे हो मुनिराजों के चेहरे पर जो शांति होती है, छेड़ावा उठा करके देखो, 200 साल पहले दौलत राम जी ने छेड़ावा की छठी ढाल में मुनिराजों के स्वरूप का चित्रण किया। क्या ऐसा कहा, मुनिराज आपका स्वरूप देख करके कैसा लगता है, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते। हित मित प्रिय वचन, आपकी भाषा समिति, जब आपके मुखारविंद से वचन निकलते हैं तो ऐसे वचन निकलते हैं मानो अमृत झर रहा हो, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसी पंक्ति है ना, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झर रहा हो, शांत अपार शांति। जब सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र दे अमृत झरे। छेड़ाला पहले चलाई थी अपन ने, छेड़ाला यहां ज्यादा हो गया होगा काल, पता नहीं ध्यान नहीं है, 2011 के आसपास की बातें शायद, हैं 12 कौन सी डालती है उसमें 5-12 क्या, कौन सा प्रकरण है, पांच बारह मतलब मई 2012 दिसंबर, 5 दिसंबर 2012 अच्छा 5 दिसंबर 2012 में शुरू की, 5 साल पुरानी बात है। बहुत सुंदर चर्चा है, एक एक पंक्ति इतनी मार्मिक है, कैसे स्वरूप को बतला रहे हैं, यहां मुनिराजों के स्वरूप को बतला रहे हैं कैसे होते हैं मुनिराज। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते जीवन पर की आसते, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुणों की अहो कैसी अलौकिक शूरता। वो मुनिराज कैसे शूरवीर है, कैसा अलौकिक स्वरूप है उन मुनिराजों का, है कैसा अद्भुत अलौकिक स्वरूप कहा है मुनिराजों का, बोलो। माने जिन मुनिराजों के शांत स्वरूप को देखकर क्रूर प्राणियों की भी क्रूरता शांत हो जाए, ऐसा स्वरूप है। क्रूरता लेकर के आए थे प्रहार करने के लिए, और जैसे उनके स्वरूप को देखा सारी क्रूरता गायब हो गई, अब का क्रूरता ही मिट गई, ऐसा शांत स्वरूप है, इसे कहते हैं शांति। आपके मन में बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इतना तेज गुस्सा करूंगा बच्चे के ऊपर, अब बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आपका पूरा गुस्सा गायब हो गया, अब क्या गुस्सा करना इसके ऊपर बच्चे को देखकर। तो उस बालक को देख करके, उसकी मुख मुद्रा को देख करके भी जब आपका क्रोध गायब हो सकता है, तो मुनिराजों की शांत मुद्रा को देखकर क्रूर प्राणियों का क्रोध और विकार ये कहां गायब हो जाए पता नहीं लगता है। तब शांत निराकुल मानस तुम, ऐसे मनुष्य आकुलता से रहित हैं, अत्यंत शांत हैं, काम क्या करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, अपने स्वरूप की लीनता, स्वभाव के आनंद की चर्चा, अतीन्द्रिय आनंद में निमग्नता, उसमें लीनता, स्वाभाविक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अद्भुत आनंद, ज्ञान दर्शन सुख वीर चारित्र आदि अनंत गुणों की अस्थि की मस्ती में झूमते हैं, क्या स्वरूप है उन राजाओं का, तत्वों का चिंतन करते हैं। जीव तत्व हूं मैं हूं जीव तत्व, अजीव न्यारा, आश्रम न्यारा, बंद संबंध मोक्ष आदि तत्व वो सब न्यारे न्यारे,
और ऐसी परिस्थितियों में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए तत्वों का चिंतन करते हुए भी मुनिराज बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो उसकी परवाह नहीं किया करते। कैसी परिस्थितियों में रहते हैं उन परिस्थितियों का चित्रण किया जाए। करते तप शैल नदी तट पर तत्संग वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या कह रहे हैं साहब, गजब हो गया। करते तप, तपस्या करते हैं हमारे महामुनिराज। कहाँ करते हैं तपस्या? शैल पहाड़ों पर। शैल मतलब पहाड़, पर्वत, पर्वतों पर, या फिर नदी तट पर, नदियों के किनारे, झरनों के किनारे। अरे बड़ा मजा आता होगा वहां तो, झरनों के किनारे जब बैठ करके ध्यान करते हैं अपना भी तो मन होता है, चलो यार क्या झरने झरते हैं वहां तो, है कहाँ कहाँ फॉल गिरते रहते हैं, नागरा फॉल है, देखने के लिए जाते हैं लोग और दुनिया भर के अलग अलग, कहाँ रूबी फॉल्स उधर अटलांटा के पास, तो अलग अलग ऐसा लगता है हमारे भी क्या है यहाँ गजब गजब जगह और मुनिराज ऐसी जगह पर, और कहाँ पर्वतों के ऊपर हिल स्टेशन पे। मेरे यार मुनिराजों की तो बहुत ठाट है कि नहीं भाई सुनो तो सही, बात को सुनो। कब लेकिन ये तो बताओ, उन गर्मी के दिनों में, जिन गर्मी के दिनों में पहाड़ पर चढ़ना कोई पसंद नहीं करता, जब ये पहाड़ियां जेठ माह की गर्मी में तपती हों, ऐसे समय में मुनिराज एकांत स्थान तलाशते हुए उन पहाड़ की चोटियों पर जाकर के तपश्चरण करते हैं। नदियों के किनारे, क्या जब शीत ऋतु में, जब ठंड के समय में, जब व्यक्ति रजाई से बाहर नहीं निकलते हो, जब गर्म स्थानों को तलाशते हो, ऐसे समय में मुनिराज उन नदियों और झरनों के किनारे पर जहाँ सामान्य गृहस्थ बैठ नहीं सकता हो और शीत लहर जहाँ चलती हो वहाँ बैठ करके ध्यान किया करते। जगत से दूर रहने के लिए, जगत से कट जाने के लिए भीड़ में आकर के नहीं एकांत स्थान तलाशते हैं, जहाँ बहुत भीड़ हो, जहाँ बहुत पब्लिक हो, जहाँ बहुत लोग हो, जहाँ परेशान करने वाले हो, जहाँ छूने वाले हो, जहाँ आकर के चर्चा ध्यान साधना और आराधना में बाधक हो। क्या पारस जी बतला रहे थे मेरे को एक बात, इन्होंने पूछा प्रमाण सागर जी महाराज से और जवाब दिया उन्होंने कि क्या करें, ये ऐसे जंजाल हैं ये सभी, ये लोग गृहस्थ लोग, ये साधना और आराधना के लिए समय नहीं मिल पाता है, ये उलझाए रखते हैं, लोग पीछा नहीं छोड़ते। बोलो ये ऐसा स्वरूप, ऐसी हालत है जगत के, लोग जहाँ देखो आप तुरंत आकर के घेर लेंगे, आकर के बैठ जाएंगे, लोग कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, क्या हालत है ये। मुनिराज को ऐसी जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए, अत्यंत शांत, जहाँ बैठ करके आराधना कर सके। और तरु तल पेड़ के नीचे कब बैठते हैं? वर्षा की झड़ियों में, वर्षा में नहीं, पानी झड़ रहा है, एक एक बूंद गिरता रहता है पानी। विकास जी अपने को लगता है यार बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे बैठना तो बड़ा अच्छा है, बरसात का समय हो, हम भी जब बरसात आ रही होती है तो क्या करते हैं, बाइक रोक कर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं बारिश से बचने के लिए। सुनो भाई, बारिश के समय में तो आप पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन बारिश रुक जाने के बाद भी जरा पेड़ के नीचे खड़े होके देखो अब क्या होगा। बारिश रुक जाने के बाद में क्या होता है? मुनिराज तो ध्यान कर रहे हैं, बारिश भले ही बंद हो गई हो लेकिन उनके ऊपर, उनके सर पर, उनके कंधों पर, शरीर पर टॉप 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 पानी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, वो झड़ी लगी रहती है। जहाँ कोई नहीं बैठना पसंद करे, जहाँ कोई खड़े रहना पसंद नहीं करे, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करे, ऐसे एकांत स्थान में बैठकर मुनिराज आप क्या किया करते हैं?
ध्यान किया करते हैं, समता रूपी रस का पान किया करते हैं, समता रस पान किया करते, समता रूपी रस का पान किया करते, कब? सुख और दुख दोनों की घड़ियों में। घड़ियां कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मौसम सुहावना हो रहा हो चाहे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया हो, मंद मंद बारिश हल्की हल्की फुहार चल रही हो या बिजलियां कड़क रही हो और गिरने की स्थिति दिखाई दे रही हो, तूफान बहकर आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? समता रूपी रस है, शांति है, हर परिस्थिति में सहजता है, ये सहज है मेरे राजन का जीवन। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों घड़ियों में। बोल लो एक बार दोनों पंक्तियां। करते तप शैल नदी तट पर, अंतर ज्वाला हरती वाणी, अंतर की जो ज्वालाएं, अंतर माने हृदय, अंतरंग, उनकी जो ज्वालाएं हैं को हरण कर लेती है कौन? वाणी। हमारे अंतरंग की, गृहस्थ जीवों के अंतरंग की ज्वालाओं को भी जिनकी वाणी हरण कर लेती है। क्या? अंतर ज्वाला हरती वाणी, ये अंतर ज्वालाएं किसकी है और वाणी किसकी है? गृहस्थों के हृदय की ज्वालाएं, गृहस्थों के हृदय में होने वाली पीड़ा, तपन, बेचैनी, आकुलता, फड़फड़ाहट, ये अंतर ज्वाला, इन सबको कौन हर लेता है? जिनकी वाणी, उन मुनिराजों की वाणी, उन भावलिंगी संतों के मुख से निकले हुए वचन, उनके उपदेश को सुनकर कैसी अपार शांति मिलती है। उनकी वाणी को सुनकर के सारी आकुलता भाग जाती है, ऐसा नहीं होता? ज्ञान के वचन सुनकर के आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, कितनी परेशानी हो रही हो, आप प्रवचन सुनने आकर के बैठ जाओ, आप विद्वानों के व्याख्यानों को सुनो तो आपको ऐसा लगता है कि सब गायब हो गया, अरे कुछ नहीं है, मैं तो उनसे भिन्न एक गायक तत्व हूं, ऐसा होता है ना? अंतर ज्वाला हरती वाणी और मानो जड़ती हो फुल जड़ियां जड़ रही है, आनंद की झरने जड़ रहे हैं, प्रसन्नता माने उनके वचनों से मानो पुष्प जड़ रहे हो। फुल जड़ी तो एक किसका सूचक है समझ लो आप, आनंद का सूचक है। फुल जड़ियां जड़ना मतलब आनंद की जड़ी लग गई हो, और फिर क्या होता है? भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, गिर जावे अंतर की गलियां। भव के बंधन, जगत के बंधन तड़ 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 टूट पड़े। भावलिंगी संतों के भी और उनकी वाणी को सुनकर के हमारे हृदय के भी हैं जो भव के बंधन हैं, कर्मों की निर्जरा होने लगी, कर्म के बंधन टूटने लगे, मिथ्यात्मानंतानुबंधी अप्रत्याख्यान सब गायब होने लगी, बने हुए कर्म, पूर्व के बने हुए कर्म टूटने लगे, छूटने लगे, तड़क करके टूटने लगे, और खिल जावे अंतर की कलियां। अंतरंग की जो कलियां हैं, अंतरंग का जो ज्ञान है, अंतरंग का जो स्वभाव है, स्वभाव का जो आनंद है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, अंतर की कलियां, ये ज्ञान रूपी कली, ये श्रद्धा रूपी कली, ये चारित्र रूपी कली, और खिल जाना माने ज्ञान का सम्यक हो जाना, श्रद्धा का सम्यक हो जाना, चारित्र का सम्यक हो जाना। खिल जावे अंतर की कलियां, कली कली खिल गई। रोम रोम पुलकित हो जाए जब मुनिवर के दर्शन पाए। जब मैंने राजू के दर्शन पा लिए हमने, जिनवर के तो जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय
मुनिवर के जो निराजों के दर्शन करते समय रोम रोम पुलकित हो जाता है। अंदर से प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता की बात है, अंदर की शांति की बात है। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, अंतर की कलियां खिल जाती है। फिर क्या होगा भाई साहब ये बताओ। तुम सादाई क्या कोई हो, दिन रात लुटाया करते हो, सब सम की अविनाश्वर मणिया। क्या है मुनिराज हमारे मणिया लुटा रहे हैं? बोलो। जैन धर्म के हीरे मोती वे बिखराए गली गली, मैं बिखराऊं? भजन की लाइन है ना, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शोर मचाऊं गली गली। मुनिराज बिखेर रहे हैं सच में, कौन से हीरे मोती? अरे उन जड़ हीरे मोतियों की बात नहीं है क्या? ऐसे रत्न लुटाने वाले तो बहुत मिलेंगे क्या? और भिखारी लोग लूटने वाले भी मिल जाएंगे। बात उन भिखारियों की नहीं है और बात उन संपन्न राजा महाराजाओं प्रतिष्ठा वालों की नहीं है। ये जैन धर्म की हीरे मोती है स्यादवाद, जैन धर्म की हीरे मोती है अनेकांत, जैन धर्म के हीरे मोती है न्याय अहिंसा अपरिग्रह। ये जैन धर्म की हीरे मोती है, ये ऐसी मणियां हैं जो मणियां किसी के जीवन में प्रकट हो जाती हैं तो फिर नष्ट नहीं होती क्या? ये अविनश्वर मणियां, उन मणियों की बात नहीं है जो मणियां खर्च करने से खत्म हो जाए, ये उन मणियों की बात चल रही है जो मणियां जीवन में प्रकट हो जाने पर सादे अनंत काल के लिए कभी नष्ट नहीं होंगे क्या? ऐसी मणियां क्या करते हैं मुनिराज? तुम सादानी क्या कोई हो, हे मुनिराज आप जैसा दानी क्या होगा? अरे मुनिराज भी दान देते हैं क्या है? हमने तो सोचा था हम ही देते हैं दान, हम ही देते हैं आहार दान, हम ही देते हैं जगत के जीवों को दान, औषधि दान, ये वो सारे दान, दान देने की सारी ठेकेदारी पैसे वालों की है। मुनिराज क्या दान देंगे बेचारों के पास में है क्या? अरे सुनो भाई, दान चार प्रकार के हैं क्या? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। चार प्रकार के दान हैं क्या? उनमें सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। मुनिराज दान देते हैं, क्या दान देते हैं? ज्ञान दान देते हैं मुनिराज, उपदेश दान देते हैं मुनिराज, उपदेश देते हैं। तुम्हारे जैसा दानी क्या होगा, मुझको दे दी मेरी निधियां, हैं? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। क्या कह रहे हैं? जग को दे दी जग की निधियां, क्या क्या मतलब है इन इन पंक्तियों का क्या मतलब है? मुझको दे दी मेरी निधियां, अरे जगत को जगत की निधियां दी, तो आपको आपकी निधियां मिली कि नहीं? क्या जिसको जिसकी, जग को दे दी किसकी निधियां? जग की। अब जग मतलब क्या है? जग मतलब अरुण जी, जग मतलब रविंद्र जी, जग मतलब कौन? हर व्यक्ति को। कैसे लोग मेरे को दी नहीं उन्होंने? अरे उन्होंने तुम्हारा स्वरूप बतला दिया, तुम्हारे तुम्हारी निधियां बतला दी, ज्ञान आदि गुणों का खजाना जो अंदर चैतन्य तत्व जो अंदर भरा हुआ है वो भरा पूरा तत्व उन्होंने दिखा दिया, ये निधि उन्होंने बतलाई है। जग को दे दी जग की निधियां, ये निधियां हैं। आपको क्या लगता है मुनिराज कुछ और देंगे? तुम भक्तों को कुछ नहीं देत है? सच्चे सुख को बस बता दे, सच्चे सुख को बता देते हो आप, अपने समान बनने का मार्ग बतला देते हो, सच्चे सुख का मार्ग बतला देते हो। इससे बढ़कर दानी और कौन होगा? कौन दानी है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर, अपनी स्मृति को भूलकर जगत में भटक रहा हो? क्या नीरज जी, कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर यदि मान लो पागल होकर भटक रहा है, 20-22 साल का लड़का है,
सेठ जी का बेटा है, अपने स्वरूप को भूल गया, याददाश्त हो गई और रोड पर भटक रहा है और भीख मांग रहा है और आपने उसको पहचान लिया हो ना, व्यवहार तो सेठ जी का बेटा है, ये कहते पागल भीख मांग रहा है यहाँ पर, और वो आपसे कह रहा है कि बाबू जी 2 रुपये दे दो, बोलो आप उसका उपकार करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, लेकिन क्या उपकार करेंगे भैया? 2 रुपये देकर? अरे सेठ जी का बेटा है तो क्या 2 रुपये देवे, ये तो 100 रुपये दे देते हैं अपन, चल खुश रहे, चल कोई बात नहीं, ये उपकार है उसका। तो क्या देना चाहिए उसको, बोलो उसको दे दो उसकी निधियां, क्या उसको उसके घर का पता बतला दो, उसे हाथ पकड़ करके उसके घर तक पहुंचा दो, ये उसका उपकार है। तो हम अपने स्वरूप को भूले हुए जगत में भटकने वाले प्राणी, अज्ञानी, मिथ्यात्मी, नादान है, नासमझ जगत के प्राणियों को मुनिराजों ने उन्हें आत्मस्वरूप बतला कर आत्मस्वरूप तक पहुंचने का सच्चा मार्ग बतला दिया, आत्मा में मौजूद अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि निधियों से परिचय करा दिया। इससे बढ़कर दानी और क्या होंगे, इससे बढ़कर दानी कहां मिलेंगे आपको? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, और क्या करते हैं दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनाश्वर मणियां, दिन रात लुटाते रहते हैं, क्या लुटा रहे हैं? लुट रहे हैं अपने आप, जिस गली से निकलते हैं, जिस बाजार से मोहल्ले से मुनिराज निकलते हैं, अरे समझने वाले लोग उनके नश्वर देह को देखकर, उनके नग्न मुद्रा को देखकर जगत की नश्वरता का भान कर लेते हैं, उनको देखने मात्र से वीतरागता बिक रही है, बह रही है, लुट रही है, वो वीतरागता लुटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुनिराज? दिन रात लुटाया करते हो, क्या समता और शांति की नष्ट नहीं होने वाली ऐसी अपूर्व मणियां ये लुटा रहे हैं आप। शांत मुद्रा को देख करके शांति झलकती है, आपकी शांति को देख करके हृदय में शांत स्वरूप को प्रकट करने की, उसका अनुभव करने की भावना जागृत होती है, वो अविनश्वर है वो मणियां, वो शांति विनष्ट होने वाली नहीं है। ऐसी मणियां हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी, ऐसे मुनिराजों के दर्शन करने से, उनके अवलंबन से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से प्रकट हो जाए, इस भावना से हम उनके चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामी थी स्वाहा। संपन्न करते हैं पूजन को अंतिम आशीर्वाद के माध्यम से, हैं क्या? हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। क्या कह रही अंतिम? हे निर्मल देव, देव तो कौन है, आत्मा की निर्मल अवस्था वो देव है, तुम्हें प्रणाम, तुम्हारे चरणों में वंदन। देव निर्मलता के प्रतीक है, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। और हे ज्ञान दीप, ज्ञान दीपक के समान प्रकाशित करने वाले आगम माने जिनवाणी को माने शास्त्र को भी प्रणाम। क्या? हे निर्मल देव, देव हो गए, हे ज्ञान दीप आगम शास्त्र हो गए, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शांति और त्याग की मूर्ति कौन? गुरु। शांति जिनके चेहरे से झलकती हो और त्याग की जो मूर्ति दिखाई देते हैं, दिगंबर मुनिराज जैसा त्याग जगत में अन्य किसी का नहीं दिखाई देता, बाहर से भी त्यागी हैं और अंतरंग से भी त्यागी हैं, निर्ग्रंथ बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से रहित शांति और त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पर मोक्ष के मार्ग पर
पंथी राहगीर चलने वाले, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले। शिव मतलब मोक्ष, पथ मतलब मार्ग, और पंथी मतलब चलने वाले, राहगीर। तो मोक्ष के पथ पर चलने वाले ऐसे राहगीर, ऐसे मुनिराज, ऐसे गुरुवर आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम। इस तरह से देव, शास्त्र और गुरु के चरणों में वंदन करते हुए इत्याशीर्वाद कि वो गुरु अवस्था हमारी भी प्रकट होवे, ऐसी वाणी हमारी भी निकले और ऐसी देव अवस्था हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इसी मंगल भावना से